हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी सभी लोग आज आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे बच्चों, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है बच्चों? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ये क्या लिखा है पीछे पढ़ाने का? ओके बच्चों, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा ये सारा का सारा देख लिया था। हाँ ओके ओके बच्चों, थैंक यू बेटा। यस ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो गया था, ठीक है। आज से यहां से ग्लेशियल लैंडफॉर्म देखेंगे हम लोग बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने फ्लूवियल देख लिया था, एवलियन देख लिया था। कहने का मतलब पानी के माध्यम से किस किस चीज का निर्माण होता है और क्या क्या चीजें टूटकर क्या बनती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने फ्लूवियल से देखा था मतलब जल के द्वारा किस किस चीज का निर्माण होता है और किस तरीके से कटाव होता है, उस सारी सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। तो उसी का आगे, हाँ खुश रहो बच्चों, आशीष ओके बेटा, ठीक है। सारे लोग सेशन को लाइक किया करिए और सारे लोग सेशन को जहां से भी आप जुड़े हुए हो, किसी भी यूट्यूब चैनल मतलब किसी भी टेलीग्राम लिंक से, किसी यूट्यूब चैनल से, ताकि सभी को फायदा हो जाए, है ना। और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे क्या होगा एक बार आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ जाएंगी। और जो लोग पहले से नहीं पढ़े होंगे वो दोबारा इस चीज को पढ़ लेंगे, ठीक। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म की बात करते हैं, ग्लेशियल भूरूप की बात करते हैं। मतलब यहां पर अगर हम बात करें जो हिमनद होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, वो भी क्या है, वो भी एक हिमनद है। आज से काफी समय पहले जब यहां पे आइस एज के बारे में आपने सुना होगा, आपने कई लोगों ने आप में से कई लोगों ने मूवी भी देखा होगा आइस एज वाला, ठीक है, जिसमें ढेर सारे हाथी शेर और ये सब रहते हैं। आइस एज मूवी सुना होगा आपने। तो आज से काफी समय पहले इस तरह से एक आइस एज भी आया था, ठीक है, जिसमें कि हर जगह पूरा का पूरा बर्फ ही बर्फ जमा हुआ था। उसी समय से भी बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं कि अगर आज देखोगे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला, देखो ये यूसेफ वैली है, ये आपका ग्लेशियर की वजह से बना है, ग्लेशियर के काटने की वजह से बना है। पहले यहां पर एक हिमनद हुआ करता था, तो आप सोचोगे सर यहां तो ऐसा कोई ग्लेशियर जैसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, आप ऐसा सोचोगे। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपको मैं ये चीज बोलूंगा नहीं देखो ये सब उसकी हिमनद की वजह से या फिर ग्लेशियर की वजह से हुआ है, तो आप ये मत सोच रहे कि नहीं अभी तो ग्लेशियर नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, काफी पहले ऐसा हुआ करता था। समय बदलता गया, बर्फ पिघलते गए, तो यहां पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, आज नहीं है। लेकिन ये जो निर्माण हुआ है ये ग्लेशियर की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो अभी वहां पर है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि बना किसकी वजह से है, कटा किसकी वजह से है, ये सारी चीजें हमें हमारे लिए मायने रखती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखने से कोई ग्लेशियर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां भी कभी कोई ग्लेशियर हुआ करता था। टेम्परेचर बढ़ता गया, ग्लेशियर पिघल गया, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसी चीजों के बारे में देखेंगे, तो हम यही ग्लेशियर भूरूप के बारे में देखेंगे। तो चलो देखते हैं कि ग्लेशियर के काटने की वजह से क्या क्या बनेगा, ठीक है, इनके कटाव की वजह से किस किस चीज का निर्माण होगा। बच्चों कहानी की तरह और लॉजिक से दिमाग लगा के बिल्कुल समझते चलेंगे, ठीक है।
एक बात याद रखना, अगर आप यहां पर एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे लगा रहे हैं तो उसको सिर्फ बात करने में मत गवाना, उससे सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होगा, क्योंकि आपको बताओ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब जैसे यहां पर ये यह देखो कुछ इस तरीके से, अब यहां पर भी आपको दिख नहीं रहा, बट इसी के पास में यहां पर एक ये भी देख लो, तो दोनों चीज सेम है। अब आपने कई मूवीज में देखा होगा जैसे यहां पर ये पूरा का पूरा एज जैसा बना है, देखो यहां पर एक इंसान खड़ा है, अब कुछ देर बाद ये यहां पर चढ़ाई करेगा और घूमते हुए टहलते हुए जाएगा, तो ये जो ब्लेड के धार जैसा, ये जो आरी जैसा बना हुआ ये सेप, इसके इस साइड भी ग्लेशियर, इसके इस साइड भी ग्लेशियर, ठीक है। ये काफी लंबे समय तक इरोजन करते गए, इरोजन करते गए करते गए, क्योंकि मान लो यहां पर ग्लेशियर है भी तो क्या होगा, ढाल की वजह से सरकेगा भी, तो धीरे धीरे क्या होगा, अपने साथ ये चीजों को तोड़ फोड़ कर भी ले जाएगा, काट काट कर ले जाएगा, और ये कोई एक दिन दो दिन या दस दिन या पचास साल की घटना नहीं है, ये सब हजारों सालों में इस तरह की चीजें क्रिएट होती हैं, तो ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं, क्या यहां तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी घटना होती है। यहां पे ग्लेशियर, यहां पे ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब हिमनद होता है, उम्मीद है ग्लेशियर आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, ये ढाल की वजह से ढल रहा है। अब देखो जैसे यहां पर बहुत सारे बर्फ है ना, कल को यहां से जरा सा कुछ गड़बड़ होता है तो बर्फ बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, और बर्फ का अचानक से नीचे की तरफ बढ़ना एवलांच कहलाता है। क्या कहलाएगा, एवलांच, जब बर्फ अचानक से नीचे गिरेगा। तो इसके जो बीच का ये किनारे वाला भाग देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं, अरेटे। वैसे एक सिंपल सी लैंग्वेज में एक लाइन में बोल सकता था, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है तो उसे अरेटे कहते हैं, हो गया, ठीक है। बट मायने ये रखता है, बना किसकी वजह से, ग्लेशियर की वजह से, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे एरिटे इसका निर्माण किसकी वजह से होता है। ऑप्शन, नदी की वजह से, हवाओं की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, या फिर समुद्री धाराओं की वजह से। तो आपने पढ़ा तो अच्छा, नहीं सर ने बताया था कि आरी समझ लो इसको, आरी, आरी जैसा दिख रहा है ना, तो आरी मान लो इसको, आरी से अरिटे, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो, अच्छा सर ने बताया था ये आरी जैसा बना था, उस पर एक इंसान ऐसे जा रहा था, उसके इधर बर्फ था, उसके इधर बर्फ था, ये काटेगा तभी तो ऐसा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से रिलेट कर लेना आप। तो ये क्या सब पढ़ रहे हो अभी, ये सब पढ़ रहे हो आप इरोजन की वजह से, क्या पढ़ रहे हो आप, इरोजन की वजह से, ठीक है। अभी आप ऐसा कॉलम बनाना, इरोजन क्षरण की वजह से, कल बताया था मैंने कैसे नोट्स बनाने आपको, ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा आराम से। अरिटे हो गया, अब इसके बाद हिमगहवर सर्क, बेटा जो लोग एप्लीकेशन पे यहां पर थे उसको हिंदी थोड़ा सा कर लेना, वहां पे मैं सर्क को सर्क ही कर दिया था, हिंदी में भी सर्क ही लिखा हुआ होता है और हिमगहवर दोनों लिखे हुए होते हैं, तो हिमगहवर भी याद रखना, ठीक है, हिंदी में। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये देखो जैसे यहां पर हिमनद की वजह से जो एक झील का निर्माण होता है, चारों तरफ पहाड़ी है, बीच में एक झील का निर्माण हो गया, यहां पर क्या है, पूरा का पूरा ग्लेशियर जमा हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा यहां पर हिमनद जमा हुआ, जब वो हिमनद पिघल गया पूरा, ठीक है, या फिर एक भाग कटा और वो पूरा का पूरा ग्लेशियर नीचे आ गया, यहां पर मान लो गर्मी की वजह से पानी के झेल का निर्माण हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्क लेक बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहां पर इस तरह से जो झील का निर्माण होता है, हिम का झील का निर्माण होता है, जिसके चारों तरफ माउंटेन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सर्क बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सर्क, कुछ इस तरीके का होता है। देखो जब ये जमा हुआ है और जब वो पिघल गया, ये ठीक क्या है, पहाड़ों की चोटी पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर, जिसके चारों तरफ पहाड़ मिलेंगी, पहाड़ों की चोटियां मिलेंगी, उसके बीच में हिम से बना हुआ एक झील होगा, हिम से बना हुआ एक झील होगा, अगर ये पिघल जाएगा तो कुछ इस तरीके से एक झील का निर्माण करेगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं, इसे क्या कहेगा, हिमगहवर कहा जाएगा। खुश रहो बच्चों, खुश रहो बेटा, बस आप लोग लिख लिख कर कमेंट में ना याद कर लेना, हो सकता है ये नाम आपको ना रटा हो, ठीक है, आप लोग कमेंट कर ही रहे तो क्यों ना कमेंट को सही यूज करो, आप लोग, आपका मन का भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, एक पंथ पचास काज, ठीक है, तो कमेंट से आपका मन भी भर जाएगा और उसके अलावा आपको चीजें भी रट जाएंगी, जहां दो चार बार लिखेंगे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हॉर्न, ये चीज, ये डिजाइन तो आपने बचपन में खूब बनाया है, हालांकि सारे माउंटेन ऐसे नहीं होते हैं,
ठीक है, सारे माउंटेन ऐसे नहीं होते, लेकिन आपने बचपन में सारी डिजाइन ऐसे ही बनाया है, ठीक है। हमेशा पहाड़ कैसे बनाया आपने बचपन में, इस तरीके से, ये लो ये पहाड़ बन गया। तो पहाड़ हमेशा ऐसे होते नहीं है, लेकिन आपने ऐसा बनाया ना, आप हमेशा ये जो नुकीला भाग बनाते हो ना, इसे क्या कहते हैं, इसे हॉर्न कहा जाता है, गिरी श्रृंग कहा जाता है, ठीक है, सींग कहा जाता है। हिंदी में भी आप इसको सींग लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट हिंदी क्या हो जाएगा, गिरी श्रृंग। तो यहां पर आप देख रहे हो, ये देखो इस तरीके से, अगर इस तरह का नुकीला पार्ट है, आपसे पूछेंगे बताओ हॉर्न ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप राइनोसेरस मत लगा देना, क्योंकि वहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हॉर्न है क्या। ये माउंटेन का जो बिल्कुल शार्प एज होता है, जहां पर बिल्कुल चोटी जो होगी उसके पास बिल्कुल शार्प एज होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सींग, ठीक है। तो वैसे माउंटेन ज्यादातर आपको क्या ऐसे मिल लेता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बहुत कम ही माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर ऐसा दिख रहा है, इसे ही क्या कहेंगे हम, हॉर्न, इसे नहीं कहेंगे, ठीक। बिल्कुल बच्चों, ऐसे लिख लिख कर जितना होता जाए, जैसे अभी हॉर्न पढ़ा आपने, हॉर्न लिख दो, ठीक है, फिर इसके बाद अभी तक जितना पढ़ा उसको लिखते जाओ, बट इतना रहे कि आप चीजों को बिना देखे लिखो, ठीक है, बिना देखे। यू आकार वेली, यू शेप वेली, यू आकार घाटी, मैंने आपको पहले बताया था जो वी आकार बनता है वो नदी की वजह से बनता है। यू आकार क्या बनेगा, यू आकार जो बनेगा ये ग्लेशियर की वजह से बनता है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे सीढ़ी नवा चीज स्ट्रक्चर बन जाएगा। हो सकता है आपसे पूछे भाई सीढ़ी निमुआ घाटी का निर्माण किसमें हो जाता है, क्योंकि जो नदी होता है नदी में बिल्कुल शार्प ऐसे बनेगा, इस तरह से बनता है। तो भाई यहां सीढ़ी हो जाएगा तो भी उलट पलट जाएंगे लोग, कोई मतलब नहीं होगा। तो सीढ़ी का निर्माण यहां नहीं, सीढ़ी का निर्माण का जो होता है एक तरह से वो आपको ग्लेशियर वाले में होता है, ग्लेशियर वाली घाटी में सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू शेप वैली, ये घाटी कुछ ज्यादा ही चौड़ी रहती है, यहां भी कभी पूरा ग्लेशियर हुआ करता था, आज वहां पर ग्लेशियर खत्म हो चुका है, अब ग्लेशियर नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ था इससे यहां पर पता चलता है यहां पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, आज नहीं है, ठीक है। व्हाट इज यूथ एकेडमी, बेटा ड्रेकिंडर बताया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जो रेगिस्तान एरिया होंगे उसमें हवाओं की वजह से लगातार हवाएं चलेंगी और बम्बार्डमेंट में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा रॉक में, है ना, इस तरह बिल्कुल बिल्कुल चिकना भाग रहेगा कुछ इस तरीके से, मतलब एक तरह से समझो त्रिभुजाकार टाइप का बन जाएगा, त्रिभुजाकार टाइप के जो रेगिस्तानी एरिया में पत्थर मिलते हैं वो ड्रेकिंस्टर कहलाते हैं, ठीक है। कल बताया था मैंने आपको प्रोनंसिएशन को लेकर, मैं बहुत ज्यादा श्योर होकर चीजों को नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी। हैंगिंग वैली क्या है, यह कैसे बना, मतलब किस तरीके से, तो इसका भी अपना सब कुछ कहानी जैसा एक रहता है, जो कि एक एक्सप्लेनेशन रहता है हर एक चीज का। इसमें क्या है, जैसे मान लो एक भाग है, जैसे मान लो पहाड़ी एरिया है, यहां पर बहुत बड़ा पूरा ग्लेशियर है, बड़ा ग्लेशियर का मेन भाग, ग्लेशियर के भी ट्रिब्यूटरी होती हैं, अब बड़ा ग्लेशियर छोटा ग्लेशियर, ठीक है, ये एक बड़ा ग्लेशियर था, अब यहां पर पहाड़ों के बीच से एक छोटा ग्लेशियर है, पहाड़ों के बीच में क्या छोटा ग्लेशियर है जो आके इससे बड़े ग्लेशियर से मिलता है। अब एक दिन ऐसा है कि ग्लेशियर पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है, यह भी पिघल गया बिल्कुल, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके नीचे काफी बड़ा गड्ढा जैसा बन जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर खत्म हो चुका है ऊपर, लेकिन ऊपर छोटा ग्लेशियर था तो ऊपर जो है घाटी जैसा बन जाएगा, अब यहां जो पानी गिरेगा वो सीधा नीचे गिरेगा ऐसे पानी। सेम आप कुछ इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यहां नीचे कभी कोई ग्लेशियर हुआ करता था, यह ग्लेशियर की ट्रिब्यूटरी है छोटा ग्लेशियर, छोटा भाई ग्लेशियर का, अब वो भी खत्म हो चुका है, यह भी खत्म हो चुका है, तब ये क्या हुआ, लेकिन यह जो घाटी का निर्माण हुआ है वो ग्लेशियर की वजह से हुआ है। अब यहां से एक घाटी का निर्माण हुआ तो यहां पर हमें ये घाटी के रूप में दिखाई दे रही, लेकिन ये लटकती हुई घाटी है, हैंगिंग वैली है, जो पानी गिर रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हम, ये तो वाटरफॉल हो गया, लेकिन ये जो घाटी ऊपर जो लटक हुआ घाटी देख रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाटरफॉल नहीं देखना है। तो यही क्या हो जाएगा, हैंगिंग वैली, ये वैली
मेन जो ग्लेशियर हुआ करता था उसका छोटा भाई है, उसकी सहायक जैसे गंगा नदी की सहायक नदी क्या हो गया यमुना, गंगा की सहायक नदी हो गई गोमती, ठीक है। तो बस ये समझो यहां पर गंगा नीचे पहले कहीं भी बहा करती थी, ऊपर गोमती था, ये गोमती की वजह से इसका निर्माण हुआ है। बस एक चीजों को रिलेट कराऊं और ताकि आप समझ पाओ चीजों को। तो ये जो लटकती हुई घाटी थी यहां भी कभी कोई हिमनद हुआ करता था जो अपने मेन धारा से आके मिलती थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुके हैं, तो लेकिन घाटी वही रह गई, उसे हम कहते हैं लटकती हुई घाटी, हैंगिंग वैली, ठीक है। हाँ ये काम बड़ा अच्छा कर रहे हो बच्चों, सच बता रहा हूं। आप देखना ये क्लास खत्म होते होते आपको बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। बस हमें ये शब्द याद रखने, अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी टर्म आपको समझाया, सारा का सारा हम किस में बता रहे हैं, इरोजन में, क्षरण में। क्षरण में अभी आपने क्या क्या देख लिया, इसके पहले अभी आपने सर्ग देख लिया, आपने एरिटे देख लिया, ठीक है। आप अभी आगे यूसेफ वैली अभी आपने देख लिया, हैंगिंग वैली देख लिया, अभी आगे आपको एब्जोर्ड भी आएगा, पिजोर्ड एब्जोर्ड यहां पे अलग अलग। ये देखो ये चीज हमें भारत में न के बराबर दिखेगा, ठीक है। ये चीज हम लोगों को दिखेगा कि मेन यूरोपीय देशों में, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इन सब देशों में मुख्य रूप से हमें ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। ये जो पिजोर्ड देख रहे हैं ये सब क्या, हमें यूरोपीय देशों में ज्यादा दिखता है, और देश के कुछ नाम भी बता दिया मैंने, ग्रीनलैंड। पहले के समय जब आइस एज का समय हुआ करता था ना, उस समय ग्लेशियर पूरा समुद्र तक भी पहुंच जाया करते थे, जो ग्लेशियर है ना, जो हिमनद है वो समुद्र तक पहुंच जाया करते थे। देख रहे हो यहां पर पूरा का पूरा ग्लेशियर कभी हुआ करता था, ये जो पूरा का पूरा निर्माण देख रहे हो ये पूरा ग्लेशियर थी, ग्लेशियर कभी समुद्र तक पहुंच जाया करते थे। जैसे अंटार्कटिका में देखो, अंटार्कटिका बिल्कुल समुद्र के पास तक लटका हुआ है, बर्फ का जो पूरा कॉन्टिनेंट ही है पूरा समुद्र तक टच है, तो वैसे ये भी पूरा का पूरा यहां पर ग्लेशियर हुआ करता था, जहां पर इतना गहरा गहरा गड्ढा बन गया, ये इसे क्या कहा जाता है, इसे ही एब्जोर्ड कहा जाता है, ठीक है। मैंने बोला कि प्रोनाउंसिएशन आप अलग अलग हो सकता है, तो आपको ये सब ज्यादा यूरोपीय देशों में देखने को मिलेगा, वो भी कंट्री के नाम भी बता दिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में ज्यादा ही देखने को कुछ मिलेंगे आपको ये सब, ठीक है। तो बस आप स्ट्रक्चर देखो, देखो इमेज लगाने का बस यही पर्पज है। आप जैसे मान लो मैं इसको बस ऐसे लिख देता कि हाँ चलो ये फिजोर्ड हो गया, ये ऐसे ऐसे रहा होगा, तो आप कैलकुलेट करते रहते सर अच्छा वो सर वो गेस करते रहते, बट यहां पर इमेज लगा दिया, अब आप देखकर समझ गए आप, अच्छा ऐसा ही है, ये इसे कहते हैं, समझ गए आप देख के, ठीक है। आज वहां पर पानी भरा है वो अलग बात है, कभी ग्लेशियर रहा था, मैं जैसे बताया कि ग्लेशियर कभी कभी समुद्र के तटों तक पहुंच जाया करते थे, लेकिन आज नहीं है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, अभी तक तो आपने ये देखा कि ग्लेशियर के काटने की वजह से क्या क्या चीज का निर्माण हुआ है, अब वो जमा क्या करता है, उसकी वजह से किस किस चीज का निर्माण होगा, तो जमा करने की वजह से बात करता हूं। सबसे पहले मोरेन, इसको पहले आराम से समझते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिमोड़, जो इसकी ज्योग्राफी के जो टर्म होते हैं ना, इसका हिंदी खोजने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभी देख कि हिंदी खोजने में 15-15-20 में आधे आधे घंटे निकल जाते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड की हिंदी खोजने में, ठीक है। तो देखो आप इसका एग्जांपल याद रखो, जैसे आप अपने घर में पोछा लगाते हो, मान लो नहीं लगाया तो भी आपने घर में देखा होगा पोछा लगाते हैं, आपके पास वो फर्जी वाला पोछा है, ठीक है, वो डंडी वाला, लकड़ी उकड़ी वाला प्लास्टिक जो भी है, पोछा जब लगाते हो, आपने पोछा लगाया, ये पोछा हो गया, पोछा की ये डंडी हो गई और ये आप हो। आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पोछे लगा रहे हो आप, जब आप
अब आवाज आ रही है बच्चों? कितनी देर से आवाज गई थी बताना जरा। हाँ हाँ, कितनी देर से आवाज गई थी? बैटरी खत्म हो गई। चलो दो चार मिनट पीछे जाता हूं मैं, ठीक है? अच्छा कोई नहीं, एग्जांपल कुछ नहीं समझा, मैं दोबारा एग्जांपल पे आता हूं, रुको। बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट करना जरूरी है। मैं अपने मन से एग्जांपल बना के बताया था, ठीक है? आपको बड़ी मुश्किल से आपने पोछा ओछा पकड़ा था, ये पोछा वाला समझ में आया, ये वाला डायग्राम। ओके, जब आपने मोरेन स्टार्ट किया था, ठीक है बच्चों रुको। मोरेन क्या होता है आप ये समझो, ये आप हो, आपने पोछा पकड़ रखा है घर में, ठीक है? मम्मी पापा ने पकड़ा दिया, भाई कुछ कर नहीं रहे, काम करो पोछा लगा दो सुबह सुबह। जब आप पोछा लगा रहे थे तो आपने क्या देखा? जब पोछा लगाया आपने, पोछा लगाने की वजह से क्या होता है, जितनी देर पोछा लगाया वहां तक तो साफ हुआ, लेकिन पोछा जहां तक आपने मारा था, ये आपके हाथ में पोछा और पोछा की ये डंडी हो गई, ठीक है? अब आप पोछा आगे बढ़ा रहे हो, तो जहां तक पोछा बढ़ाओगे आगे क्या होगा, जैसे आगे बढ़ाओगे सारा कचरा यहां तक आ जाएगा, हो जाएगा ना, यहां तक तो साफ हो गया आपका, लेकिन कचरा यहां आके जमा हो गया। साथ में पोछा की रेंज के किनारे किनारे यहां भी कचरा जमा होता है, यहां भी पानी जमा होता है, कचरा पानी जो भी रहेगा, ठीक है? साफ बस यहां तक हुआ है क्योंकि आपने पोछा यहां तक ऐसे लगाया। तो वैसे ही जब ग्लेशियर बनते हैं, तो ग्लेशियर बनते तो क्या हुआ, ग्लेशियर भी खिसकते उसकते रहते हैं, तो ग्लेशियर जब खिसकेगा वो भी इतना भारी भरकम होता है कि जहां तक रहेगा उसके किनारे किनारे वो क्या करेगा, पूरा का पूरा मतलब जो भी मटेरियल रहेगा, गिट्टी बालू मिट्टी सब क्या करेगा, किनारे पत्थर किनारे किनारे लाके जमा करेगा। और साथ में जहां ग्लेशियर का एंड पॉइंट होगा यहां भी लाके जमा करेगा, ठीक है? तो ये जो पूरा कचरा यहां लाके किनारे किनारे सब जमा किया, इसे क्या कहते हैं, इसे मोरेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी वापिस आता हूं इस पर, रुको। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां देखो, कभी ग्लेशियर यहां तक हुआ करता था, यहां है देख रहे हो, ये पूरा देख कर लग रहा है ऊंचा भाग बन गया है, तो ग्लेशियर कभी जैसे मान लो यहां से ऐसे यहां से यहां तक आ रहा था, ठीक है? तो क्या करेगा, पूरा नीचे से धकेलता हुआ लेकर जाएगा आगे, धकेलते हुए आगे लेकर जाएगा, तो क्या हुआ यहां पर भाग, यहां पर भाग पूरा का पूरा ऊंचा हो जाएगा, ठीक है? अब यहां पर किनारे किनारे वाला इसने नहीं दिखाया है, इस डायग्राम में किनारे वाला नहीं है, बाकी किनारे भी बनता है। माना कि आज ग्लेशियर पूरा पिघल चुका है, ठीक है? ग्लेशियर गर्मी बढ़ती गई, तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पहले यहां तक जो हुआ करता था अब वो खत्म हो गया, बस यहां तक बचा हुआ है, ठीक है? तो मोरेन समझ गए, ठीक है? एक्चुअली में ये इनकी बाउंड्री होती है, ग्लेशियर की बाउंड्री है मोरेन, ठीक है? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमोड। अब जो किनारे किनारे वाला भाग है उसको अंतस्थ हिमोड कहेंगे, और जो सॉरी किनारे किनारे वाला है उसको क्या कहेंगे, पार्श्विक हिमोक। और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल मोरेन हो जाएगा, जहां पे ये खत्म होता है। तो वही है, देखो जो मलबा जमा हुआ है उसे ही कहा जाता है, यहां पर मलबा जमा कर दिया आपने, यहां पर जमा कर दिया, यहां पर जमा कर दिया, वही मोरेन होता है। तो आपको याद क्या रखना, बस यही मोरेन किससे रिलेटेड है, तो इसको ग्लेशियर ने क्या किया, ग्लेशियर ने जमा किया है, ग्लेशियर ना होता तो ये जमा भी ना होता, ग्लेशियर ने इसको जमा किया है। तो कहने का मतलब मोरेन का निर्माण कैसे होता है, ग्लेशियर के डिपोजिशन की वजह से, ग्लेशियर के निक्षेपण की वजह से इसका निर्माण होता है। क्लियर है बच्चों ये? डिपोजिशन। चलो आगे बढ़ते, ये तो एक ऐसी डायग्राम है जबरदस्ती का, जबरदस्ती का मतलब कि एक ही डायग्राम में सब कुछ है ना। अब एक ही डायग्राम में जैसा भी आगे आप ड्रमलिन भी देखोगे, स्कर्ट्स भी देखोगे, ठीक है? इसमें से क्रिवासे तो ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हालांकि इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बट ये क्रिवासे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, बताऊंगा भी ये कैसे ही नॉर्मल। आपको जितने भी पर्वतारोही होते हैं ना, बेचारे एक चीज से सब ज्यादा परेशान रहते हैं वो, और एक ही चीज से डरते हैं,
और कईयों की जान इसकी वजह से आती है, उसका नाम है किरवासे। जैसे क्या होता है ना, आप जैसे कि चलो बताई देता हूं नाम ही लिया हूं तो, जैसे देखो मान लो ये पूरा पूरा ग्लेशियर अभी आपको पूरा का पूरा ढका हुआ दिख रहा होगा, अब बनाए थे इसलिए भी नहीं है डायग्राम में। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि ग्लेशियर इसके तनाव की वजह से यहां पर क्या होता है, पूरा का पूरा ग्लेशियर में दरार आ जाती है और यह दरार काफी गहरी होती है, दरार आ जाती है। लेकिन टेम्परेचर तो लगातार यहां पर काफी ज्यादा कम है, माइनस में है, वजह से यह दरार तो रह गई, ऊपर से बर्फ से फिर ढक जाएगा। अब जब जैसे आप कोई पर्वतारोही यहां से जा रहा है, अब उसको तो लगेगा भाई ये जैसे यहां पर है वैसे यहां पर भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे वही ट्रैप है, जैसे मान लो एक गड्ढे के ऊपर जो पूरा मिट्टी उट्टी इसे फैला दिया और नीचे पूरा गड्ढा है, जैसे आपने पैर रखा नीचे, सेम वैसे ही ये क्रिवासी इसी तरह का क्रैक होता है, जैसे आगे बढ़ा फट से इसके अंदर घुस जाएगा वो, और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या फिर उनको निकलने में, एक तो यहां पर सोचो ठंडी में हाथ पांव काम नहीं करता और यहां पर माइनस में टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल कम है, लोग बड़ी मुश्किल से एक एक कदम चल रहे हैं और उसमें भी किसी को पकड़ खींच के निकालना इतने टेम्परेचर में कुछ ज्यादा हालत खराब होती है, और क्या पता गिरते समय ही किसी की डेथ हो जाए। तो बहुत सारी जाने इसी क्रिवासी की वजह से जाती है पर्वतारोहिकों का, ठीक है। यहां पर देखो ज्यादा बढ़िया डायग्राम है, चलो फिलहाल तो अभी देखते हैं। आउटवॉश प्लेन, हिमानी धौत मैदान। जब मान लो ग्लेशियर था, ग्लेशियर धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रहा था, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर कंकड़ पत्थर ये सब भी रहेंगे, इसके नीचे का कंकड़ पत्थर भी रहेंगे, ठीक है। अगर यहां पर आज को कल को जो है मतलब पूरा का पूरा ग्लेशियर खत्म हो गया, पहले यहां पर सब हुआ करता था, ठीक है, अब यहां पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, आज ग्लेशियर खत्म हो चुका है, लेकिन ये लगातार खिसकने उसकने की वजह से क्या हुआ, ये भाग पूरा मैदानी भाग हो गया है, प्लेन एरिया, बहुत उबड़ खाबड़ आपको नहीं दिखेगा, प्लेन एरिया दिखेगा, ठीक है। लेकिन इतने समय चलते 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 क्या होता है, इन पत्थरों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। तो ये सब क्या है, ये जो पहले ग्लेशियर हुआ करता था, अब ग्लेशियर खत्म हो चुका है, उसके आगे का भाग पूरा मैदानी भाग हो चुका है कंकड़ पत्थर, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो कंकड़ पत्थर भी रहेगा साथ में, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे आउट वॉश प्लेन, जिसमें आपको बहुत सारे कंकड़ पत्थर रेत के कण ये सब आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो पहाड़ों में मिलते हैं, इसे कहेंगे आउट वॉश प्लेन, ठीक है। एक ऐसा मैदानी भाग जो ग्लेशियर के द्वारा बनाया जाता है उसे आउट वॉश प्लेन कहते हैं, उसे हिमानी धौत मैदान कहते हैं, बस आउट वॉश प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शब्द याद रखना कि आउट वॉश प्लेन किससे रिलेटेड है। इसमें अगर जो लोग कभी पढ़े नहीं होंगे ना, वो ज्यादातर इसमें नदी को लगा के आ जाएंगे। अच्छा, प्लेन मैदानी भाग, ये तो बड़ा सिंपल था, ठीक है, और गलत हो जाएगा। तो आउट वॉश प्लेन ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, नदी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मैदानी भाग सिर्फ नदियां नहीं बनाती हैं, हिमनद भी बनाते हैं, देख रहे हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ये घूमने जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब जैसे ये एक वैसे नॉर्मल डायग्राम आ गया, एक वैसे बनाया हुआ जबरदस्ती का डायग्राम, कोई रियल पिक्चर नहीं है ये, ठीक है। अब यहां पर मोरेन क्या था, मोरेन किनारे किनारे का भाग, जहां जहां ये मिट्टी उट्टी जमा हो जाएगा वो मोरेन कहलाता है, बस, ठीक है। अब इसके अलावा, ठीक है, छोड़ो अभी वो सब, जैसे हॉर्न ऑन हो गए, ठीक है। अब मान लो ये सब पूरा का पूरा ग्लेशियर उड़ गया, खत्म हो गया, पिघल गया, तो पिघलने के बाद क्या होगा, एस्कर का निर्माण करेंगे, ये पूरा का पूरा कभी यहां तक फैले हुआ करते थे, ठीक है, यहां तक फैले हुआ करते थे। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे देखो बीच बीच में आपको गड्ढे दिख रहे हैं, कैटल है ये एक्चुअली में, ठीक है, बीच बीच में गड्ढे दिख रहे हैं। यहां भी क्या हुआ करता था, पहले बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, तो वो जगह हटने के बाद वहां पर पूरा का पूरा गड्ढा बन गया, यहां पर हिमनद का पार्ट जमा रह गया, जिसकी वजह से यहां पर एक छोटी छोटी झील का निर्माण जैसा हो गया, जैसे आपने पॉट होल में देखा था कुछ उसी तरीके से। ये पॉट होल नहीं, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसी में आप देख रहे हो एक लंबी सी पट्टी बन जाती है, एक लंबी सी पट्टी। तो लंबी सी पट्टी एक्चुअली में देखा जाए ना, ये इसकी वजह से बना है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो बीच में बन जाते हैं ना, ये लेटरल जो ये बोरेन बन जाते हैं ना मेन, इसकी वजह से इसका निर्माण हो जाता है। देख रहे हो किनारे किनारे ये पूरा का पूरा कैटल बन जाएगा, कैटल मतलब छोटे छोटे जैसे तालाब जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे तालाब तो काफी बड़ा हो गया, फिर भी छोटे छोटे गड्ढे जैसे बन जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं, अभी देखेंगे हम लोग,
तो फिलहाल इसकी वजह से ये जो है ना एक्चुअली में इसे क्या कहेंगे, एस्कर्स। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भाई बताओ एस्कर्स का निर्माण, ये शब्द याद रखना, एस्कर्स का निर्माण किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ले जाकर कहीं बोले देखो भाई ये एस्कर है, तो आप समझ जाना कि अच्छा यहां पर मतलब कभी ग्लेशियर हुआ करता था, आज नहीं है, ठीक है। ये बीच में कभी मोरेन का पार्ट हुआ करता था, आज वही इसे हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं, ठीक है। बीच का भाग, यहां पर ग्लेशियर, वहां पर ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर की वजह से बनाए, यहां पर ये कोई नदी उदी का कोई रोल नहीं है। और ये सब हमें ज्यादा कहां दिखेगा, पहाड़ी एरिया में दिखेगा, मैदानी भाग में तो दिखेगा नहीं, ठीक है। ये सब बहुत पहले की चीजें हैं जब आइस एज और आइस एज हुआ करता था। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है ड्रमलिन, ठीक है, ड्रम के शेप का ड्रमलिन हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहां पर पहाड़ों से ग्लेशियर नीचे की तरफ आ रहा था, तो उसमें क्या हुआ, यहां पर ढेर सारे बीच में कचरे जमा, मतलब यहां पर पत्थर जमा हो गया और ये सब जमा हो गया, उसके ऊपर से पूरा का पूरा एक लेयर बन गया मिट्टी का, ठीक है। तो आज उसे ही क्या, जो ये ड्रम शेप का है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर होगा जो कि ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, यह आउटवॉश मैदान में गोल बोल्डर का, बोल्डर मतलब जो पत्थर के बड़े हुए स्वरूप होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको बोल्डर कहते हैं, बड़े पत्थर को बोल्डर कहते हैं। यह आउटवॉश मैदान में गोल बोल्डर का एक संग्रह है, इस तरह के बोल्डरों का एक संग्रह एक उल्टी टोकरी की तरह दिखता है, इसे एक बास्केट टोपोग्राफी की कहा जाता है। छोड़ो, फिलहाल यही मतलब है इसका कि ग्लेशियर की वजह से क्या हुआ है, पूरा का पूरा चीजों को तोड़कर लाया गया, यहां पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, ठीक है। आज यहां पर ये जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा एक लेयर जमा हो गया है, सॉइल का, सैंड का, इनके ऊपर वेजिटेशन ग्रो हो गए हैं। तो ये जो ड्रम शेप के हमको दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, ड्रमलिन। इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, इतने सारे ड्रमलिन एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा हो गए हैं, वो सब ग्लेशियर की वजह से हुआ है, ठीक है, ग्लेशियर की वजह से। आगे बढ़ते हैं, कैटल होल, ये एक तरह का झील होता है, ठीक है, छोटे छोटे झील होते हैं जिसका निर्माण ग्लेशियर की वजह से हुआ है, बस ये समझो। देखो ये कैटल हो गया, ये कैटल हो गया, कैटल हो गया, कैटल हो गया, ये सब कैटल है, ठीक है, केटली समझ लो। अब जैसे देखो यहां पर पूरा ग्लेशियर यहां तक हुआ करता था, ठीक है, यहां पर पूरा ग्लेशियर हुआ करता था, अब यहां पर क्या हुआ, लेकिन ग्लेशियर खत्म हो रहा था तो यहां पर कुछ आइस क्या हुआ, ट्रैप हो गए, टेम्परेचर अभी काफी है तो ये पूरे पूरी तरह से सारी सारी चीजें पिघल नहीं पाई हैं। अब यहां पर ये पूरा पूरा क्या, आइस जमा हो गया, अब इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा आउटवॉश प्लेन है, ठीक है, पूरा का पूरा भाग जब इरोड हो रहा है, यहां पर आउटवॉश प्लेन है, इसकी वजह से क्या हो, जब ये भाग गल जाएगा तो इसके बाद वजह से क्या हो जाएगा, यहां पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है, और गड्ढे का निर्माण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक लेक का निर्माण हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। डायग्राम तो बहुत अच्छे से नहीं बनाया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं है, बस ये आउटवॉश प्लेन इसको हटा दो, बस इसने लिखा है आउटवॉश प्लेन क्या है, इसको हटा दो, बाकी यहां पर जब ये आइस ट्रैप होता है, यही आइस जब गलेगा तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बस ये आप इस चीज को याद रखना, कैटल होल क्या होता है, जल गर्ती का, कैटल कहां पर मिलेगा, ऐसे याद रखो, कैटल की चाय गर्म रहेगी तो जब आप बर्फ वाले एरिया में जाओगे तो वहां पर चाय डाल डाल के पीते रहोगे ताकि ठंडी आपको कम लगे, तो कैटल होल हो गया। तो यहां पर ये आपको ग्लेशियर से रिलेटेड चीजें हो गई। अब एक बार आप लोग बिना देखे कोशिश करिए याद करके लिखने का कि आपने डिपोजिशन में क्या क्या नाम देखा था, आपने इरोजन में क्या क्या नाम देखा था। इस बार आप जाओ एक महीने, पांच से जब चार से पेपर होगा ना, उसमें आप देखोगे यहां से कई प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ओके ओके, मोहित यादव मैंने आपका कमेंट देख लिया, बिल्कुल हो जाएगा। हाजी, मोरेन, आउटवॉश प्लेन, ड्रमलेन, कैटल, ठीक है, सही है। अब हम वेव लैंडफॉर्म देखते हैं, काफी अच्छी चीज यहां से, मतलब ये समझो जितने भी लैंडफॉर्म है, इंडिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, वेव लैंडफॉर्म से, ठीक है। जैसा कि मैंने भी देखा है, दो तीन क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, देखते हैं वेव लैंडफॉर्म में क्या है। अब जैसे जो समुद्र की धाराएं हैं, जब सोचो लगातार वो तट पे आके टकराएंगी, लगातार तट पे आके टकराएंगी, तो तट हमेशा एक जैसा नहीं होता ना, कई बार तट ऐसे होते हैं कि यहां पर समुद्र, कई बार तट ऐसे होंगे तट यहीं पर है और यहां पर ऐसे पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है,
ठीक है। अगर ये इरोजन को से क्या हुआ, ये पर्वतीय भाग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जो स्ट्रेट वाला पर्वतीय भाग, इसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं, बोलते हैं ना। आपने शायद इंग्लिश में कुछ ऐसे इडियम टाइप का पढ़ा होगा कि जंप फ्रॉम क्लिफ, इस तरीके से कुछ देखा है कि क्लिफ से जंप कर रहे हैं, तो यहां पर ये क्लिफ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर जब इसके किनारे पहाड़ी क्षेत्र, बहुत कुछ करेगा ये काट पीट के, बहुत कुछ दिखाएगा। देखते हैं कि यहां पर जो समुद्र की तरंगे हैं, ये हवा चलने की वजह से जो लगातार लहरें उठ रही हैं, जहां पे आप जब कभी बीच पे जाओगे तो बीच पे आप उन लहरों से एंजॉय करते हो। जब 100 साल तक उन्हीं लहरों के सामने खड़े रहो तो शायद 100 साल तो खड़े ही नहीं रह पाओगे। पहली चीज, वो तो एक दो घंटे एंजॉय करने जाते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जो ये पहाड़ सैकड़ों सालों हजारों सालों से झेल रहे हैं, उनके साथ क्या हो जाता है, पत्थर भी खराब हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो देखते हैं कि वेव लैंडफॉर्म में किस तरह का इरोजन होता है और उसे क्या कहते हैं, उसका निर्माण जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखते हैं ये वेव क्या कमाल दिखाती है, किस तरीके से क्षरण करती हैं, ठीक है। ये एक वैसे नॉर्मल पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अभी इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जैसे आर्क बनता है, ये पूरा पूरा क्लिफ है ना। अब जैसे मान लो पहले जो है ये पूरा का पूरा पर्वतीय भाग, पूरा का पूरा पर्वतीय भाग पहले यहां तक हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया। जैसे मान लो यहां भी कभी आर्क हुआ करता था तो यहां पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसके क्या हुआ, ये भाग धस गया। धसने की वजह से क्या हुआ, इधर का भाग खत्म हो गया, यहां पर इस तरह से यहां पर एक चट्टान बन गया। अब क्योंकि यहां पर जो तरंगे ये 24 घंटे काम कर रही है ना, 100 मतलब 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल में फर्क नहीं पड़ेगा, 10000 साल में तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से क्या हो गया, एक स्टंप की तरह से, सॉरी एक स्टैक की तरह से ये खड़ा रह गया, ठीक है। और अगर ये भी भाग टूट कर गिर गया, क्योंकि लहरें लगातार टकरा रही, हो सकता है यहां पर ये भाग टूट जाए और ये अपना अपना बैलेंस संभाल ना पाए और पूरा का पूरा गिर गया, गिरने के बाद क्या हो, बस ये इतना भाग बचा, इसे स्टंप बोल देंगे, स्टैक का छोटा भाई स्टंप, ठीक है। और यहां पर गुफाओं का निर्माण भी हो जाता है। गुफा का निर्माण कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई पहाड़ है, पत्थर क्या होता है, पत्थर जो है कई खनिजों से मिलकर बना होता है, उसी में कोई कमजोर होगा कोई मजबूत होगा। अब कोई जो कमजोर पत्थर होंगे, जैसे मान लो कि लाइम स्टोन टाइप का कुछ हो गया, वह बड़ी जल्दी जो है रिएक्शन के साथ बड़ी जल्दी घुलने लगते हैं। यहां पर कमजोर भाग था, अब यहां पर क्या हुआ, उसके लगातार कुछ भाग के घुल जाने की वजह से क्या हुआ, वो भाग टूट टूट कर अलग होने लगा, टूट टूट कर अलग होने लगा। तो कई हजार सालों में इस तरह से गुफा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जो बहुत हार्ड होगा वो नहीं, वहां पे नहीं टूट पाता। चलो ये एक रियल इमेज है, ठीक है। ये जो अभी हम आर्क की बात कर रहे थे ना, ये आर्क कुछ इस तरीके का निर्माण भी होता है। तो ऐसा नहीं है समुद्र के किनारे हमेशा आपको बीच ही मिलेगा, ठीक है। बीच भी वो समुद्र की ही देने बना देते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके से देखो, यहां पर धीरे धीरे गुफा का निर्माण हो रहा है, यहां पर गुफा का निर्माण हो रहा है इस जगह पर। ये नॉर्मल अभी आपको देख रहे थे, अभी आपने आर्क देखा था ना, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर आपने ये देखा, ये स्टंप नहीं है, ये स्टैक है, ये स्टंप है, आइलैंड नहीं बोलना इसको, ठीक है, द्वीप नहीं बोलना है। तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक हो गया, स्टंप हो गया, आर्क हो गया, ये सब। कल को हो सकता है ये भाग लगातार कटता चला ही जा रहा है, ये भाग भी कट के यहां से गिर जाएगा, और जब ये गिर जाएगा तो ये भाग जो बचेगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टैक बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया है, अब बताने जा रहा हूं। चलो मेहराब, ये शब्द बहुत ही फेमस है हिंदी में, ठीक है। मेहराब, कोस्टल आर्क, ठीक है, हिंदी में भी ये शब्द याद रखना, मेहराब। तो बोले बोला जाएगा भाई मेहराब किससे संबंधित है, ये मेहराब जो है, ये जो देख रहा हूं ना, यही है, बोट लेकर आओ यहां बीच से निकल जाओ, ठीक है। यही क्या है, मेहराब है, जो विंडो जैसा दिख रहा है, जो दरवाजे जैसा दिख रहा है ना, यही, इसे मेहराब कहा जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं देखने को मिला तो आप समझ लो इसको क्या कहेंगे, कोस्टल आर्क कहेंगे, आर्क बन गया है, इसे कोस्टल आर्क कहेंगे, मेहराब, ठीक है। लगातार पानी अपना काम कर रही है, समुद्री तरंगे अपना काम कर रही, काट काट कर, काट काट कर ये हालत कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखो,
ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर भी इसने क्या किया, लहरें आके क्या किया, इसको काट पीट के अलग कर दिया। मैं एक बात बता रहा हूं, फिर से एक बार ध्यान समझना, चट्टानों में भी अलग अलग तरह की चट्टानें होती हैं, कोई चट्टान मजबूत होगा, कोई चट्टान बहुत कठोर होगा। अब जैसे मान लो यहां पर यह चट्टान कठोर था, इसलिए अभी तक क्या हुआ, यहां पर कुछ कटा नहीं, देखा कुछ भी नहीं कटा हुआ है, लेकिन यहां पर यह भाग पूरा कट के अलग हो गया है। तो अगर यहां पर यह जो इस तरह का भाग कट के अलग हुआ है, यहां पर आप जाके खड़े भी हो सकते हो, ठीक है, बस गिरे ना, यहां पे आप जाके खड़े हो सकते हो, बैठ के खाना खा सकते हो, यहां पे जाके एंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहां पर ये सब जो नॉच देख रहे हो, आपने मोबाइल भी देखा होगा, आपने मोबाइल सुना है नॉच कैमरा, कभी उसका नाम सुना आपने, नॉच कैमरा कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे यहां पर एक कैमरा हो जाएगा। ये जो कट लगाते हैं वो क्या है, उसे नॉच कहते हैं। यहां पर ये क्या हो गया, नॉच। कैसे याद रखो, नॉच को नोच याद रख लो, कि यहां पर लहर आई, लहर ने इसको इतना इतने भाग को नोच लिया, ऐसे याद कर लो, इसे नोच कहेंगे, कटाओ। तो नॉच अभी तक आपने देख लिया और आपने कटाओ देख लिया, ठीक है, सॉरी नॉच अभी आपने देख लिया और इसके पहले अभी आपने आर्क देखा, मतलब मेहराब देखा, दो चीज। अब आपको बताऊं कि यहां पर बहुत सारे रॉक होते हैं जो कि बहुत सारे मिनरल से मिलकर बने होते हैं, कुछ मिनरल होते हैं जो बड़ी जल्दी घुल जाते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, कुछ इस तरह के चीजों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया क्यों, गुफा, गुफा का भी निर्माण कुछ हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो बस वही है, लहरें काम कर रही है, अब लहर तोड़ तोड़ कर किस किस तरह का चीज को बना रहा है, बस उससे मतलब है। अब जैसे देखो, काट कर यहां से काटा और काट के अलग कर दिया, यहां पर चले गए, ठीक है, यहां पर भी गुफा का निर्माण कर दिया। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आपको पता है ये तो गुफा ही कहा जाएगा, तो गुफा हो जाता है ये, ठीक है। तो ये जो लहरें होती हैं गुफा का भी निर्माण करती हैं। तो तीसरा टर्म आपने पढ़ लिया केव। अब ये देखो स्टैक, इसे क्या कहेंगे, तटीय स्तंभ कहेंगे, हिंदी में क्या कहा जाएगा, तट के किनारे स्थित एक स्तंभ। इस स्टैक में भी यहां पर देखो, यहां पर मेहराब है, यहां पर भी क्या है, कोस्टल आर्क है, मेहराब है, ये क्या है, तट के किनारे पर स्थित एक स्तंभ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्टैक कहेंगे। ये सब क्या है, कभी एक मेन भाग से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन अब बीच का भाग पूरा ढह गया, ढहने की वजह से क्या होगा, ये भाग स्वतंत्र रूप से एक अलग समुद्र में खड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तट के किनारे स्थित एक स्तंभ कहेंगे, इसको तटीय स्तंभ कहेंगे, स्टैक, ठीक है। और ये ऐसा हुआ क्यों, अगर यहां पर लहरें काम न कर रही होती, कुछ दिक्कत ना होता, तो शायद ये आज अलग रूप में खड़ा न होता। अगर यहां पर लहरें काम न कर रही होती तो शायद यहां पर आपको मेहराब या फिर गोल्डन सॉरी कोस्टल आर्क न दिखाई देता। ये सब के सब 24 घंटे जो लहरें काम कर रही है ना, उसकी वजह से यह घटना हुई है। हाँ, तो केव हो गया, स्टैक हो गया, बिल्कुल सही बच्चों, इसी तरीके से मैं बोला हूं, बिल्कुल रट जाएगा, जहां 10 बार लिखोगे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। अब आपने खाड़ी का नाम सुना होगा, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, जैसे आपने बंगाल की खाड़ी सुना होगा, जो बच्चों टाइम लगा रहे हो ना, समझो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, है ना, आज की क्लास से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कितने आएंगे पता नहीं। अब जैसे देखो बंगाल खाड़ी, ये वाला बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से खाड़ी के टाइप का ही रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा भाग, मतलब यहां पर वेव लगातार काट रही, वेव लगातार काटने की वजह से क्या हुआ है, एक अलग से खाड़ी का निर्माण हो गया है, खाड़ी के अंदर एक बहुत छोटी सी खाड़ी, आप देख रहे हो बड़ी मुश्किल से कुछ ही जहाज यहां पर आ पा रही हैं, ठीक है। तो खाड़ी का छोटा भाई, ये भी देखने से खाड़ी लग रहा है, ठीक है। तो खाड़ी का जो छोटा भाई, उसे क्या कहेंगे, कोव कहेंगे, ठीक है। तो कोव किससे रिलेटेड होता है, कोव ये भी वेव इरोजनल लैंडफॉर्म का पार्ट है, तो आप खुद ही कॉमन से लगा, अच्छा कोव, ये केव से कोव कर दो, केव में सी ए वी ई था, इसमें सी ओ वी ई हो जाएगा, कोव मतलब छोटी खाड़ी। अच्छा, ये तभी बना होगा जब लगातार लहरें टकरा रही हैं, लगातार लहरें टकरा रही हैं, उसकी वजह से, ठीक है। कुछ इसी तरह से आपको लैगून भी देखने को मिलता है, बट हालांकि लैगून लेक थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, लैगून भी कुछ इसी तरीके के दिखता है, बट ये काफी छोटे साइज में है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कोव कहा जाता है, छोटी खाड़ी,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं है, नहीं है, छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं डिपोजिशनल। अब ये जो डिपॉजिट करता है ना, उसी पे जाके आप इंजॉय करते हो बढ़िया से, मस्त है ना। अब जितने इंजॉय करने वाली चीजें आप दिखेंगे आपको, ये देखो बीच, तो समुद्र के किनारे का जो स्थान है उसको बीच को, बीच है ना, ये पूरा का पूरा बीच में हुआ क्या है, समुद्र लगातार जो इधर उधर की चीजें को काट पीट रही है, उसके वजह से क्या हुआ, सारी चीज को ले आके तट के पास जमा कर दे रही है, सारी चीजों को काट पीट करने के बाद लाके समुद्र के किनारे जमा कर दे रही है। तो जमा करने की वजह से क्या हुआ, एक रेत की पट्टी बन गई चारों तरफ, इसे क्या कहा जाता है, बीच कहा जाता है। ऐसा नहीं कि समुद्र के किनारे पर हर जगह ये मिलेगा, अभी आपको दिखाया था एक डायग्राम, वहां पर किनारे किनारे पहाड़ था, वहां पर तो बीच नहीं था ना, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं बीच हर जगह पर बन जाता है, ठीक है, जहां पर उस तरह का मैदानी भाग होगा, जहां पर उसके पास का एरिया इस तरह के होगा, तो वहां पर वो लगातार रेत को जमा करेगा और वहां पर क्या होगा, एक बीच का निर्माण करेगा, ठीक है, बीच, ठीक है, समुद्र के किनारे का जो थोड़ा सा मैदानी भाग होता है उसको हम लोग बीच कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन तो कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, एक समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, ठीक है, यहां पर जैसे मान लो कोई भाग जमीन से जुड़ा हो, या फिर मान लो बीच में कहीं ऐसे ही, मान लो इधर भी, इधर भी कोई जो है, जैसे मान लो यहां पर एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है, और इधर कोई जैसे मान लो ये मान लो यहां पर एक ये जमीन का हिस्सा हो गया, एक जमीन का हिस्सा हो गया, ठीक है, अब हो सकता है ये जो रेत की पट्टी बनी है वो काफी आगे जाके बनी हो, जरूरी नहीं हो, ये रेत की पट्टी कहीं भी बन सकती है, इधर से समुद्र लाकर पूरा का पूरा रेत जमा कर रहा है, इधर से समुद्र लाकर रेत जमा हो रहा है, एक रेत की पट्टी सी बन गई पूरा, ठीक है, इसको कहा जाता है सैंड बार, रेत की पट्टी। आपने बार वर्ड से ऐसे भी सुन सकते हो, आपने कई बार सुना होगा साउंड बार, ठीक है, JBL का साउंड बार आ रहा है, या फिर किसी और चीज का साउंड बार, बार से क्या होगा, आपने देखोगे एक लंबी सी पट्टी टाइप का होता है स्पीकर, लंबा सा स्पीकर होता है, उसमें क्या लिखा था, साउंड बार। अब ये एक पट्टी कैसे बनी हुई, सैंड का, तो उसको साउंड बार नहीं, उसको सैंड बार बोलेंगे, मे बी आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो सैंड बार है क्या, ये पूरा का पूरा सैंड की पट्टी है जो जमा हुआ है, ठीक है, देखो, या समुद्र में फैली रेत का जमाव है, बस यही है, आपको देख के समझ में आ रहा है यही रेत की पट्टी हो गया। होस ये जमीन से भी जुड़ा होता है, ठीक है, ये चीज आपको कई जगह पर मिलेगा, जैसे आप लक्षद्वीप पर चले जाओ, अंडमान निकोबार में कई जगह दिख जाएगा कि ये पूरा का पूरा द्वीप है, द्वीप से लगा हुआ काफी आगे तक पूरा रेत जमा हो गया है, तो यहां पर लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं इस तरीके से, रेत की पट्टी। लेकिन ये रेत की जो पट्टी है अगर किसी द्वीप से जुड़ जाए तो उसका नाम बदल जाता है, अब ये किसी द्वीप से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बस एक रेत की पट्टी है कुछ बस, तो रेत की पट्टी के अलावा उसको अभी किसी और चीज से रिलेट नहीं करेंगे। अभी देखो मैं इस रेत की पट्टी को एक द्वीप के साथ जोड़ूंगा तो उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है, टोम्बोलो। अब यहां पर एक शब्द और आता है स्पिट, भू जिह्वा, स्पिट मतलब थूकना होता है ना, जैसे कि ऐसे याद रखो धरती की जीभ, भू का जिह्वा, धरती की जीभ, इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो, मान लो यहां पर ये बीच है, ठीक है, बीच है, रेत के कण है यहां पर पूरा का पूरा, अब यहां पर लगातार हवा चल रही है, चल रही है, अभी यहां पर ये कुछ भाग नहीं बना, बस ये तट है, अब ये हवा लगातार चल रही है, हवा चलने के बाद क्या होगा, इस तट के भाग को काटेगा, काटने के बाद क्या करेगी, आगे जमा करता चला जाएगा धीरे धीरे करके, आगे जमा करता चला जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा भाग को जमा कर देगा जो कि लैंड से काफी आगे निकल जाएगा। तो आप इसको क्या, रेत का पट्टी नहीं बोलेंगे, सैंड बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि काफी वाइड है, काफी चौड़ी है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे स्पीड बोलेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। सैंड बार बहुत पतली सी पट्टी होती है जो ऐसे नॉर्मल ऐसे हल्का सा निकला होगा, ठीक है, ये लैंड से जुड़ा हुआ होता है, और सैंड बार जरूरी नहीं वो लैंड से ही जुड़ा हुआ हो, यह भी जरूरी नहीं होता, ठीक है, बट ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहां पर इसे जमा कैसे हो गया, क्योंकि यहां से लगातार पानी बह रहा था, तो यहां मिट्टी को धकेल के यहां ले गया,
यहां की मिट्टी ढकेल के यहां ले गया, इसके वास्ते बढ़ता चला गया ये। तीसरे क्या बोलेंगे, स्पिट, जैसे थूकते हैं ना, तो वैसे स्पिट हो गया, बस मान लो यही। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हवाएं हवाओं की चलने की वजह से, हवाओं की डायरेक्शन ही ऐसी है, ठीक है, कि हवा डायरेक्ट लगातार इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसके वजह से क्या हुआ, यहां के किनारे के भाग को काट काट कर ले जाकर वहां पर जमा कर दिया, ठीक है। तो जमीन का ये भाग काफी आगे तक ऐसे फैल गया। और कुछ हवाएं होती हैं जो और भी काम करती रहती हैं। अब कुछ हवा गया, अब जैसे मान लो एक लोहा है, लोहे पे लगातार हथौड़ी मारते रहो तो क्या लोहा घूम जाएगा, है ना। अब यहां पर आप देखो दूसरा भाग इसका, यहां पर ये स्पीड हो गया, ये पूरा स्पीड नहीं है, ये स्पीड हो गया। अब एक दूसरी हवा काम कर रही है, अब ये दूसरी हवा जो काम कर रही है स्पीड के, ये आगे एक भाग क्या हो जाएगा, अब लगातार ये भी हवा काम कर रही है, स्पीड का आगे एक भाग मुड़ जाएगा। मुड़ने का मतलब क्या हुआ, ऐसे के भाग को क्या कहें, हुक बोलते हैं ना, जैसे हुक में कपड़ा टांगते हैं, ये क्या हो गया, हुक हो गया। तो स्पीड अगर आगे से मुड़ जाए उसे हुक कहेंगे। दो टर्म आप जान गए, स्पीड, स्पीड अभी आपको पता चलेगा स्पीड क्या है, स्पीड अगर आगे से मुड़ जाए उसको हुक बोलेंगे, जिसमें कपड़ा टांगता है, हुक में कपड़ा टांगते हैं ना, हुक हो जाएगा। अभी देखो आगे स्पीड हो गया, स्पीड का मतलब क्या हो, भूजिह्वा, ये देखो ये भी स्पीड है, पूरा स्पीड ही है, ये पूरा स्पीड ही है। अभी स्पीड क्या हुआ, आगे से जाके मुड़ गया, ये देखो। अगर ये, लेकिन क्या ये इतना ही मुड़ेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है मुड़कर ये पूरा का पूरा चिपक जाए, ऐसा भी होता है, होता भी है, और इसका एग्जांपल भी है बहुत सारे, बहुत सारे क्या, बहुत कमी होंगे। यहां पर अगर ये हुक पूरा का पूरा मुड़ जाए, ये पूरा पैक हो गया, अब पैक हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, लूप बन गया। मतलब एक ही साथ तीन टर्म आ गए, पहले हुक, पहले स्पीड बना, स्पीड थोड़ा सा आगे मुड़ गया, हुक बन गया, हुक और ज्यादा घूम गया पूरा जमीन का भाग, ये भाग आके पूरा दोबारा जमीन से जुड़ गया, ये भाग पूरा पूरा का पूरा समुद्र से अलग हो गया, कंप्लीट अलग हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है अब समुद्र से, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। ये तीनों एक दूसरे से सबसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है, उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया। मैं भी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही खो गया पढ़ाने में, मुझे टाइम का पता नहीं चला, ठीक है। तो लूप समझ में आ गया, लूप क्या था, आप चीजों को समझ गए ना, पहले स्पीड बना, फिर उसके बाद हुक बना, फिर उसके बाद लूप बना, ठीक है। डायग्राम से उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है, बस आपको शब्दों को याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो टॉम बोलो, अभी मैंने बताया था टॉम बोलो, अब वही जो सैंड बार था, कुछ नहीं, सैंड बार ये एक तरह का, अगर एक ऐसा सैंड बार जो जाके द्वीप से जुड़ जाए, अगर सैंड बार द्वीप से जुड़ जाए उसे टॉम बोलो कहेंगे, ये टॉम बोलो है, ठीक है। अगर आप यहां पर एक द्वीप नहीं होता तब इसको आप सैंड बार ही बोल, सॉरी हां सैंड बार ही बोलते। अब ये सैंड बार जाके द्वीप से जुड़ गया, इसलिए अब इसको क्या बोलेंगे, हम टॉम बोलो कहेंगे। तो दोनों में फर्क पता चला, सैंड बार और टॉम्बोलो में डिफरेंस यही है। अगर एक ऐसा सैंड बार जो जाके किसी द्वीप को जो किसी द्वीप से जुड़ जाता है उसको टॉम्बोलो कहा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा सैंड बार जो जाके द्वीप से जुड़े उसको टॉम्बोलो कहेंगे, कोई भी कहीं पर भी ऐसा हो, ठीक है। जैसे हाजी अली का दरगाह कुछ टाइप का देखोगे, हालांकि वो तो जबरदस्ती का बनाया हुआ है जो ब्रिज है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इससे बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख गया, ये टॉम्बोलो है। अगर यहां द्वीप उड़ा दो आप, इसको हम सैंड बार ही बोलेंगे, यहां द्वीप आ गया इसलिए हम इसको टॉम्बोलो बोले और कोई कारण नहीं है। ध्रुव, कोई नहीं। तो यहां पर बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये कास्ट लैंडफॉर्म है, इसको मैं जो एक काम करूंगा, ठीक है, कास्ट लैंडफॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस इसमें भी चार पांच पेज बचा था, ज्यादा कुछ बचा नहीं था, ठीक है। एक काम करूंगा मैं इसको, आप सभी को पता है कि मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसको डाल दूंगा। तो चलो बच्चों, इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है, और सारे लोग सेशन को लाइक कर दिया करो, यहां पर बताओ जितने बच्चे उतने लाइक, ऐसा थोड़ी होता है।
तो उम्मीद है कि आपको काफी समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। मैं भी बहुत मन से पढ़ाया, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी। तो चलो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास अपनी लगवाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि मुझे वो टॉपिक पढ़ाना है, उसके लिए मैं अपनी क्लास लगवाऊंगा। हालांकि अब इसके बाद ऐसे लगनी नहीं थी मेरी क्लास, लेकिन मैं लगवाऊंगा और उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो चलो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।